ओम शांति। आज का जानकी दादी जी का हमारे लिए क्लास का टाइटल है, जिम्मेवारियां संभालते हुए पीसफुल रहो तो दुआएं मिलती रहेगी। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति स्थापक हो, इसलिए तुम्हें शांत रहना है। जो पीसफुल रहता है वही नॉलेजफुल रहता है, वही ब्लिसफुल रहता है। पीसफुल होगा तो नॉलेजफुल, नॉलेजफुल होगा तो ब्लिसफुल। जो काम बाबा ने दिया, भले स्थूल में ईश्वरीय सेवा है, जिम्मेवारी है, लेकिन उसके साथ साथ पीसफुल है तो जैसे नॉलेजफुल है, उसी आधार से ब्लेसिंग मिलती है। एक तरफ बाबा की, दूसरे तरफ सर्व ब्राह्मण आत्माओं की। जिस भी आत्मा के संपर्क में आओ, दुआएं मिलती है। बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। जो काम हम करते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर करते हैं। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान यूज करने के लिए त्रिकालदर्शी का ज्ञान जरूरी है। पास्ट की बातों को बुद्धि में रखकर अच्छा काम नहीं कर सकते। यह पुराने शरीर जर्जरीभूत होते भी संगम पर हमारे बहुत काम का है। इस अंतिम जन्म के अंत की घड़ी में भी बहुत कमाई होने वाली है। सत्युग में अच्छा शरीर होते हुए भी आत्मा ऐसा काम नहीं करेगी। भविष्य के लिए पुराने शरीर में यह आत्मा अच्छा काम कर रही है ना। आत्मा इस पुराने शरीर में अच्छा काम है। हाँ जी, इसलिए इस अंतिम जन्म की महिमा अपरंपार है। जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने बताया कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाने के लिए ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। हमको याद दिलाया कि तुम्हारा भी यह अंतिम जन्म है। अंत याद होगी तो आदि भी याद होगी, आदि याद होगी तो मध्य भी अच्छा होगा। भक्ति मार्ग में बहलने बहलाने के लिए टाइम पास हुआ। जब भक्त थे तो भी खुशी थी, लेकिन अब की खुशी न्यारी है। भक्ति की खुशी से तो ज्ञान की खुशी न्यारी है। हाँ जी, अब की खुशी में भविष्य बहुत ऊंचा है। उस खुशी में भविष्य ऊंचा नहीं था, भक्ति की खुशी में भविष्य ऊंचा नहीं था, परंतु अभी की में है। अभी खुशी है कि हमारी चढ़ती कला है ना। ऐसे ही कहें, हाँ जी, हमारा भविष्य पद ऊंचा हो रहा है। सदैव पुरुषार्थ में जुटे रहना चाहिए, कभी भी पर्सनल पुरुषार्थ में फर्क न पड़े। समस्याएं तो दिन प्रतिदिन जोर से आएंगी ही, जितना आगे बढ़ेंगे समस्याएं कम नहीं होंगी, लेकिन हम पुरुषार्थ में जुटे होंगे तो उनका सामना कर सकेंगे। परीक्षाएं तो और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि जैसे हमारी स्थिति ऊंची होगी तो एग्जाम और डिफिकल्ट होगी। तो बाबा कहते हैं, अगर पुरुषार्थ में जुटे होंगे ना तो उसका सामना कर सकेंगे। बाबा ने बहुत काल से सिखाया है समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए। रोज हर बार बाबा मुरली में कोई ना कोई तरकीब तो बता ही देते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे मन मना भव रहो। बेफिक्र बादशाह रहने के लिए चार पिलर मजबूत हो। जो हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं ना, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा,
चारों ही पिलर्स हमारे मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली उतना ही हल्का और बेफिक्र रह सकेंगे। समय सफल होता रहे, जैसे बाबा को देख खुश होते हैं, ऐसे परिवार को और स्वयं को देखकर भी खुश हो। खुशी की मजबूती बेफिक्र बना देती है। दुखहर्ता बाबा हमें मिला है तो कभी भी दुख इमर्ज न हो। दुखहर्ता बाबा हमें मिला है तो जीवन में दुख का अंश भी इमर्ज न हो, ये हमारा आंतरिक पुरुषार्थ चलता रहे अभी। रहेंगे ना सब ऐसे ही पुरुषार्थ के, बिल्कुल दुख के अविद्या अंश मात्र भी दुख न हो। कितनी भी जिम्मेवारियां हो, जिम्मेवारियां संभालते हुए पीसफुल रहे और सभी की दुआएं लेते रहे। रहेंगे ना ऐसे ही हम। हाँ जी, अच्छा राज दादी का क्लास ऐसे ही शॉर्ट और स्वीट था। शॉर्ट में ही दादी ने बहुत डीप संदेश, या यूं कहो कि बहुत डीप जिम्मेवारी दे दी। ये जिम्मेवारियों को संभालना है परंतु उसके साथ पीसफुल रह के दुआएं लेती रहनी, क्योंकि हम हलचल में होंगे और जिम्मेवारी संभाल रहे होंगे तो आसपास के वातावरण में भी तो डिस्टरबेंस होगा ना, वो प्रकंपन फैलेंगे तो सेवा में तो दुआएं मिलेंगी ही नहीं। सेवा माना दुआएं लेने का साधन। हम दुआएं कब इकट्ठा करेंगे? जब स्वयं ही स्थिति में ऊंच होंगे। कितनी भी जिम्मेवारियां हो, हमारी स्थिति सदैव ऊंची हो और आसपास के वातावरण में भी वो दुआओं के वाइब्रेशंस फैलाते रहे जो हमें मिल रहे हैं सेवाओं के द्वारा। अच्छा, कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे दादी जी का, जिसका टाइटल होगा अच्छा कर्म करने से दुआएं मिलती है, गुणवान बनो तो इज्जत के पात्र बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और विशेष आप सभी को भी बता दें कि 25 तारीख को जो हमारी परीक्षा थी वो कुछ कारणवश पोस्टपोन्ड हो गई थी और आज हुई, परंतु सब बहुत अच्छे से हो गया। और आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक्स, आपने जो दुआएं भेजी थी, गुड विशेस भेजे थे, बेस्ट लक्स भेजे थे, ऑल द बेस्ट भेजे थे, तो उस कारण, आपकी दुआओं के कारण सब कुछ बहुत सहज रूप से और अच्छे से हुई सारी एग्जाम्स। और साथ ही आप सभी को डबल थैंक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल जो है पढ़ाई की वजह से चेंज हो जाता था, अटेंड भी करना होता था पोस्टिंग्स को, और उस कारण हमारे कई बार टाइम शेड्यूल चेंज हो जाते थे, परंतु आप सभी सभी मेजॉरिटी, क्योंकि जब आप ओम शांति लिखते हैं वो कमेंट्स में, लाइव कमेंट्स में जब मैसेजेस लिखते हैं तो समझ में तो आता है कि आप जुड़े हुए हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो चाहे टाइम शेड्यूल कोई भी होता था उसमें अटेंड जरूर होते थे, अर्थात कि सभी ने हमारे टाइम के अनुसार स्वयं को भी ढाला। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत पुनः दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। कल से जो है हमारा वैसे ही शेड्यूल जैसे चल रहा है, अमृत वेला सुबह 3:30 से 4:30 और मुरली 4:30 से 5, ठीक है ना सभी के लिए ये। और बाकी 9:15 बजे पुरुषार्थ के क्लासेस होंगे, दादियों के क्लासेस करेंगे, उसके पश्चात फिर और कुछ वरिष्ठ हमारे होंगे उनके क्लासेस होंगे, या फिर बाद में अव्यक्त वाणी स्टार्ट कर देंगे हम। अच्छा, और विशेष आप सभी का जो योग है वो तो जरूर हमें मदद करता ही है सेवाओं में, आपके गुड विशेस जरूर, आपके गुड विशेस के योगदान का ऐसे ही प्रभाव, या यूं कहो कि ऐसे ही इसका झरना बहता रहे, ताकि नेक्स्ट मंथ संकल्प है कि बेहद में कहीं कहीं सेवा के लिए जाना है तो वहां जाएंगे, परंतु उससे पहले कुछ काम रिनोवेशन का बाकी है बाबा के घर का, आप सभी उसके लिए भी योग करना कि सही समय पर सही से अच्छे वर्कर्स मिल जाए, ताकि
जल्दी जल्दी ये सेवा पूरी करके फिर बेहद की सेवा में समय दे सके। अच्छा, ओम शांति, कल मिलेंगे अमृत वेला 3:30 बजे।